हिटमैन रोहित शर्मा को चेतेश्वर पुजारा की जगह पहली बार भारतीय टेस्ट टीम का उपकप्तान बनाया गया है। नियमित कप्तान विराट कोहली पैटर्निटी लीव पर भारत लौटने के बाद अब अजिंक्य रहाणे टीम के कप्तान बने थे। तब मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में पुजारा को उपकप्तान नियुक्त किया गया था। टीम प्रबंधन ने पहले ही यह फैसला कर लिया था कि अगर रोहित फिट होकर टीम से जुड़ेंगे तो वह उपकप्तान होंगे। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विराट की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे कप्तान बनने के बाद भारतीय टीम के उपकप्तान को लेकर कोई संदेह नहीं था, यह हमेशा रोहित ही थे। पुजारा को यह जिम्मेदारी तब तक के लिए सौंपी गई थी जब तक रोहित टीम से नहीं जुड़े थे। अधिकारी ने कहा कि रोहित लंबे समय से सीमित ओवर के प्रारूप में भारतीय टीम के उपकप्तान हैं। ऐसे में जाहिर है कि विराट की गैर मौजूदगी में वह टीम के नेतृत्व समूह का हिस्सा होंगे। रोहित सिडनी में 14 दिन की क्वारंटाइन पूरा करने के बाद मेलबर्न में भारतीय टीम से जुड़ गए हैं। अब हालांकि यह पता नहीं है कि रोहित शुभमन गिल के साथ पारी का आगाज करेंगे या मध्य क्रम में खेलेंगे। अगर वह सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे तो खराब लय में चल रहे मयंक अग्रवाल टीम से बाहर हो सकते हैं, जबकि उनके मध्य क्रम में खेलने पर हनुमा विहारी को अंतिम 11 से बाहर होना पड़ सकता है। उन्होंने 7 जनवरी को सिडनी में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट के लिए अभ्यास करना शुरू कर दिया है। रोहित ने 32 टेस्ट मैच में 46 की औसत से 2141 रन बनाए हैं।